कहते हैं कि ना मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याही समुंदर से नूर निकलेगा। अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र के अंतर्गत और यहाँ पर मौजूद हैं खुद छावनी के मुख्य अधिशासी अधिकारी और मुख्य अतिथि के रूप में छावनी परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष संजय कांडपाल साहब। और आज नालंदा पुस्तकालय एवं तक्षशिला सांस्कृतिक केंद्र का जो उद्घाटन कई महीने पूर्व हो चुका है, आज वहां के बच्चों से वो मिले और बच्चों के अंदर किस प्रकार से देश के प्रति जो जुनून है, बच्चों के अंदर किस प्रकार से देशभक्ति का जो जुनून है उसको जानने की कोशिश की। कहना चाहता हूँ कि जो रामगढ़ छावनी ने जो नालंदा पुस्तकालय या नालंदा तक्षशिला सांस्कृतिक केंद्र की जो शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत रामगढ़ छावनी बोर्ड ने यहाँ पर एक लाइब्रेरी का पूरा इंतज़ाम किया है और आने वाले समय में हम एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की भी व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, साथ में एक वॉलीबॉल कोर्ट बना रहे हैं। इधर देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद से लाइब्रेरी हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी बुनियाद एक्ट कर सकती है, जो कि आम लोगों के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लड़कियाँ हमारी, जो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो बड़ी आसानी से इन लाइब्रेरी में आकर सेफ सराउंडिंग में, सेफ जगहों पर पढ़ाई कर सकती हैं, उनके माँ बाप निश्चिंत रह सकते हैं। इससे अच्छा मेरे को लगता नहीं कि इससे अच्छा बढ़िया सौगात शायद से रामगढ़ छावनी के लिए कोई हो नहीं सकती है। हमें इसके लिए स्पेशली कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कैंटोनमेंट बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हमने ये सारे फैसले लिए, हमारे साथ से हमारी विधायिका भी यहाँ जी मौजूद हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इंडोर गेम हॉल सर, इंडोर गेम हॉल या इंडोर गेम हॉल का हमारा जो सीईओ साहब का और हम सभी लोगों का मेन मानना ये था कि जब भी बच्चे थोड़ा थकान महसूस करते हैं पढ़ाई कर करके, सो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए दे कैन जस्ट गो और अपना वहाँ पर बैडमिंटन खेल सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और मेन हमें खुशी इसकी मिलेगी कि कल को अगर इस लाइब्रेरी से पढ़े हुए बच्चे, हो सकता है आने वाले जमाने में झारखंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अफसर बने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बने, भारतीय सेना में आए, तो हमारे लिए इससे अच्छा और गर्व की बात क्या हो सकती है। बच्चों से मिले बहुत अच्छा लगा। दे आर वेरी, बहुत उनमें जुनून है। ऐसा लगता है कि शायद से, जैसे मैं सोचता हूँ हर इंसान में कामयाबी के लिए दो ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपके अंदर आपके पेट में वो आग होनी चाहिए और वो जुनून होना चाहिए। तो कहते हैं कि ना मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याही समुंदर से नूर निकलेगा। सेना के द्वारा सर लगातार इस तरह की कार्यक्रम चलाई जाती है कि बच्चे सेना के प्रति जागरूक हों, सेना के बारे में जाने। आप सर खुद साक्षात्कार किए उनके साथ? सर ये कंटोनमेंट बोर्ड का इनिशिएटिव है एंड कंटोनमेंट बोर्ड के इनिशिएटिव के तहत ये कार्यक्रम हमने शुरू। और आप वीडियो में देख सकते हैं साइड में कि ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर खुद आए थे, छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी महोदय और कई पदाधिकारी और रामगढ़ की विधायक महोदया भी यहाँ पर पहुँची और बच्चों से रूबरू हुई और कैसे उनके अंदर में देशभक्ति की भावना जगे, कैसे उनके अंदर में देश के प्रति समर्पण भाव जागे, उसको लेकर ब्रिगेडियर साहब ने यहाँ पर बच्चों से मुलाकात की और उनके अंदर उत्साह का भी संचार किया। बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे रूबरू हुए हमारे ब्रिगेडियर साहब और उन्हें कुछ स्पेशल टिप्स भी दिया। मेरे नन्हे कदम, अ ब्ले स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर, अवार्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच रांची बिहाइंड फिराया लाल एंड अशोक नगर इन रामगढ़ नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया रामगढ़ कैंट।